दोस्तों ये जो आप हमारे हाथों में देख रहे हैं ये है एजोटोबैक्टर और ये काम करता है नत्रजन का। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको अपने फसलों में नत्रजन की आवश्यकता है तो ये एजोटोबैक्टर डाल सकते हैं जो कि हेलिक्स नाम से आता है, मार्केट में उपलब्ध है और इसे कृषि वायो कंपनी बनाती है और जो कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है और इसके प्रोडक्ट यूजफुल भी हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं दोस्तों इस कंपनी के और मार्केट में हर जगह उपलब्ध भी है, आसानी से मिल जाते हैं। इसको कब और किस कंडीशन में डालना चाहिए, कौन कौन सी फसलों में डालना चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। बस आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। दोस्तों ये एजोटोबैक्टर है, यह है किसी भी कंपनी का हो, यदि एजोटोबैक्टर के नाम से आ रहा है तो वो नत्रजन का काम करेगा। और ये कब डालता है तो ये गैर दलहनी और दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिर करने वाला जीवाणु है जो कि एजोटोबैक्टर के नाम से आता है, लेकिन इसे हेलिक्स नाम दिया है कृषि वायो कंपनी ने। बात करें दोस्तों इसे हेलिक्स के कृषि में क्या उपयोग है, तो दोस्तों इसके उपयोग की बात की जाए तो स्वतंत्र रूप से नत्रजन स्थिर करने वाला जीवाणु है यह एजोटोबैक्टर। यह नत्रजन स्थिर करने के अलावा पाइप हार्मोन्स एवं विटामिन्स का भी जैविकीय तरीके से संश्लेषण करता है और हानिकारक कवकों की बढ़वार को भी रोक देता है। इसमें बात करें क्या क्या कंटेंट मिला है, तो जीवाणु की संख्या है और वाहक है, संक्रमण है, सूक्ष्म जीवी सहायक औषधि है और मीडियन अवशेष है जो कि 98% है और सूक्ष्म जीवी सहायक औषधि 2% मिलाई गई है। लाभकारी फसलें कौन कौन सी है, मतलब कि कौन कौन सी फसलों में हम इसे डाल सकते हैं वो भी आपके लिए बता देते हैं। तो इसे धान, गेहूं, मक्का, कपास, गन्ना, बाजरा, आलू, गोभी, टमाटर, बैंगन, मटर, चुकंदर, खीरा, सरसों, ज्वार, आम, प्याज, लहसुन, मिर्ची, फूल गोभी आदि फसलों में हम इसे डाल सकते हैं। और हमने इसको गेहूं में इस्तेमाल किया है, गेहूं के बीज को उपचारित किया है एजोटोबैक्टर से। दोस्तों आप अपने बीजों को भी उपचारित कर सकते हैं और भूमि को भी उपचारित कर सकते हैं और पौध को भी उपचारित कर सकते हैं, मतलब भूमि, बीज और पौध तीनों को उपचारित कर सकते हैं एजोटोबैक्टर से, जिसके रिजल्ट काफी अच्छे और शानदार हैं। यदि आप बीज को उपचारित कर रहे हैं तो 5 से 7 मिलीलीटर, मतलब 5 से 7 बूंद या 5 से 7 ml 1 किलो बीज के लिए आसानी से काम कर देता है। आप 5 से 7 ml दवा लीजिए और 1 किलो बीज में डालकर उसको आसानी से उपचारित करके बीज को तर बतर करके आप 1 घंटे के लिए छांव में रख दीजिए और फिर उसकी बुआई कर दीजिए, तो उसमें ये काम करेगा। यदि पौध को उपचारित कर रहे हैं आप, तो पौध के लिए क्या करेंगे, पौध को जमीन से उखाड़ेंगे, मतलब नर्सरी को उखाड़ेंगे और उसकी जड़ों को कम से कम आधे घंटे के लिए इसमें डुबो के रखेंगे और फिर खेत में लगा देंगे। ऐसा करने से उस फसल में किसी भी तरह का कोई भी रोग या वायरस नहीं आता और फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित हमारी बनी रहती है। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करें उपयोग, इसका उपयोग यदि करते हैं तो और भी क्या लाभ हो जाते हैं, तो यह मृदा जनित रोग कारकों का प्रबंधन करता है, यह फसलों की उपज को 30% तक बढ़ा देता है, यह पौधों के हार्मोन्स को बढ़ाता है और इसमें आपको एक सावधानी ये बरतनी है कि बच्चों के पांव से दूर रखना है, ऐसे लोगों से दूर रखना है जो कि इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि इसका पैक बोतल है तो कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन खुल गया है बोतल तो ऐसी जगह रखें कि बच्चों की पहुंच से दूर रहे, आपके खाने पीने की चीजों से दूर रहे। और दोस्तों ये 250 ml की बोतल है जिस पर 215 प्राइस लिखी हुई है, लेकिन आपको 200 रुपए के आसपास मिल जाएगी, आसानी से हर जगह उपलब्ध है। यदि आपको मार्केट में मिल जाती है तो अच्छी बात है, आप ट्राई करिए, मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे कंपनियों के या फिर डीलर्स के कॉन्टेक्ट नंबर उपलब्ध करा देंगे, जहाँ से उनके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपके यहाँ पर कहाँ किसके पास मिलेगी। यदि नहीं मिल रही है तो वो भी आपको उपलब्ध करा देंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद किसान भाइयों की हेल्प हो सके। और मन में कोई सवाल है या फिर किस तरह की जानकारी आप हमारे माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें, साथ में घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला हर खेती किसानी बागवानी का लेटेस्ट वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों हमारे कुछ मित्र बोलते हैं कि लाइक शेयर करने से आपको पैसा मिलता होगा, तो जी बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात नहीं है। लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है और शेयर करने से जरूरतमंद किसान भाइयों की हेल्प हो जाती है और कमेंट करने से आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। बस इतना सा काम है। यदि आप हमारे साथ सहमत हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलेंगे अब इसी तरह की और भी हेल्पफुल जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।